हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सितंबर मंथ में अगर आप प्लांट खरीदना चाहते हैं तो कौन से प्लांट खरीदें और कौन से ना खरीदें, वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। क्योंकि अभी जो है गर्मियां और बरसात का सीज़न जो है लगभग थोड़े दिनों का ही है और जाने वाला है। तो गर्मियों के कौन से प्लांट आप ले सकते हैं जो परमानेंटली आपके पास बने रहें, और कमिंग जो है सर्दियां हैं तो सर्दियों के कौन से प्लांट इस समय नर्सरी पर मिलेंगे, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं सितंबर मंथ में आप किन किन के प्लांट की जो है शॉपिंग कर सकते हैं, जो परमानेंट भी होंगे और सालों साल आपके पास बने रहेंगे। तो उनमें से सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये एक बेलनुमा प्लांट है, इसको फ्लेम वाइन बोलते हैं। इसका अभी फूलों का सीजन आने वाला है। अगर आपको कोई परमानेंट प्लांट चाहिए जिसको आप जमीन में और गमले में, बड़े गमले में लगा सको और परमानेंटली आपके पास कई सालों तक बनी रहे और हर साल आपको फ्लावरिंग भी दे, तो आप फ्लेम वाइन को लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो फ्लावरिंग है वो अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक होती है। बहुत ही अच्छा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है मेरा। देखिए ये प्लांट जमीन में लगा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, पूरा साल हरा भरा बना रहता है और अक्टूबर से लेके जो है नवंबर दिसंबर मार्च तक इसमें फ्लावरिंग होती है, तो हरा भरा तो ये पूरा साल ही बना रहता है। 100 रुपये तक ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, जमीन में और गमले में आप इसको लगा सकते हैं, तो ले सकते हैं आप इसको इस समय। नेक्स्ट प्लांट है जो परमानेंट होता है और इस समय आप इसको नर्सरी से ले सकते हैं क्योंकि आने वाला सीजन इसका फ्लावरिंग सीजन होता है, ये भी परमानेंट प्लांट है। तो देखिए रोज़ के प्लांट है, रोज़ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं। ये वाला बटन रोज़ है, इसमें एक साथ छोटे छोटे बहुत सारे फूल आते हैं, मल्टी लेयर में होते हैं इसके फूल और बहुत दिनों तक इसमें बने भी रहते हैं। और ये भी एक रोज़ का ही प्लांट है, तो रोज़ जो भी आपको अच्छा लगता है डिफरेंट कलर में ये मिलते हैं तो ले सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो जो बटन रोज़ मैंने पहले दिखाया आपको वो 100 रुपीज़ तक मिलता है, तो वही है कि कोई 80 रुपये का आपको मिल जाएगा, कोई 100 रुपये का मिलेगा। बहुत ही अच्छी टाइप होगी तो वो थोड़ा सा और महंगा मिलेगा। तो गुलाब भी आप इस समय ले सकते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं ये भी। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इस समय ले सकते हैं, ये भी परमानेंटली आपके पास बना रहेगा और आने वाले टाइम में फ्लावरिंग भी करेगा और इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, तो ये है। ये वह तो देसी वाला हिबिस्कस है, मगर आप हाइब्रिड हिबिस्कस इस समय ले सकते हैं। हाइब्रिड जो हिबिस्कस होता है परमानेंटली बना रहता है और इसमें जो है सर्दियों में भी फूल आते रहते हैं, और ख़ास बात ये होती है ये आपको नर्सरी पर इस समय मिल भी जाता है। और प्राइस की बात करूँ तो आपको 60-70 से लेके 100 रुपये तक इसके प्राइस रहते हैं, और साथ में कलर्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। छोटे गमलों में भी ये अच्छे से चल जाते हैं, 6-8 इंच के गमले में, तो लगा सकते हैं आप हाइब्रिड हिबिस्कस। नेक्स्ट प्लांट ले सकते हैं आप जो परमानेंट होता है और छोटे छोटे गमलों में चल जाता है, डिफरेंट कलर में आपको मिलेगा, तो यह है ग्राफ्टेड अडेनियम। अगर आपको ग्राफ्टेड अडेनियम आपके नर्सरी में मिलते हैं तो ले सकते हैं, और ये भी जो प्लांट होते हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं मेरे। देखिए ये छोटे छोटे प्लांट हैं और देखिए कितने बड़े बड़े फूल इनमें आए हुए हैं। तो ये अभी मेरे पास 1 साल के 6-6 महीने पहले मैंने इनको लिया था, तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो परमानेंट प्लांट होते हैं, आप सिंगल पेटल वाले भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप ले सकते हैं इस समय, और ये भी जो परमानेंट प्लांट है इसको गार्लिक वाइन बोलते हैं। इसको भी आप जमीन में और गमले में दोनों जगह लगा सकते हैं। मेरा ये प्लांट जमीन में लगा हुआ है और ये पिछले साल देखिए इसमें फ्लावरिंग हुई थी इस तरीके से, तो इस साल ही और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल चुका है। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। इसके बहुत ही अच्छे से फूल होते हैं पर्पल कलर के, बहुत ही अच्छी इनमें खुशबू भी होती है। 100 रुपये तक ये भी प्लांट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है जिसका अभी फूलों का सीजन आने वाला, और ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है, डिफरेंट कलर में मिलता है, डिफरेंट टाइप में मिलता है, तो अगर आपको ये नर्सरी पर दिखे तो इसको आप ले सकते हैं। इसके भी फूल काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पे बने रहते हैं। और ये है क्राइसेंथिमम, इसमें जो है फ्लावरिंग होती है अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक, वैसे ये प्लांट बना रहता है पूरा साल। तो इस समय मैंने तो बहुत सारे प्लांट इसके कटिंग से भी तैयार किए हैं, तो अगर आपने कटिंग लगाई है तो ठीक है, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो कटिंग लगा सकते हैं इस समय। अगर नर्सरी जाते हैं आपको मिलता है तो इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इस समय ले सकते हैं, अगर आप नर्सरी जाओ तो ये आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं इसको, ये है जरबेरा। इसका भी अभी फूलों का सीजन आने वाला है, और ये भी जो है हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के प्लांट मिल जाते हैं, और इसके भी फूल एक बार जब खिल जाते हैं तो 15-20 दिन प्लांट पर ही बने रहते हैं। डिफरेंट कलर में ये मिलते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं और मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो अगर आपको जरबेरा अच्छा लगता है तो आने वाले सीजन में इस तरीके के फ्लावर अगर आप अपने गार्डन में आप चाहते हैं
तो इसको ले सकते हैं आप। इसका भी जो प्राइस है 70-80 से लेके स्टार्ट हो जाता है और 100-150-200 तक जाता है। नेक्स्ट प्लांट है मधुकामनी। मधुकामनी का भी जो प्लांट है, इसमें भी अभी फूलों का सीजन था, इसका वैसे मार्च से स्टार्ट है, मगर अभी बरसात के साथ बाद में भी इसमें फूल आते हैं। जैसे अभी बरसात तो चल ही रही है, मगर इसमें भी इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। और ये परमानेंट प्लांट होता है, जब तक सर्दियां नहीं आती तब तक इसमें फूल आते ही रहेंगे और ये प्लांट सर्दियों में भी बना रहता है और इसके पत्ते वगैरह भी नहीं झड़ते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, इसको लगाना शुभ भी माना जाता है मधुकामनी को। तो इस तरीके का अगर कोई वाइट कलर के फूलों वाला, खुशबू वाले फूलों वाला प्लांट चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं, ये 100 रुपये तक मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये वेरीगेटेड वाला जो बोगनविलिया होता है, तो बोगनविलिया भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें फूल तो आते ही हैं, मगर फूलों से ज़्यादा खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। ये भी प्लांट आपको 100 रुपये तक नर्सरी पर मिल जाता है। मैंने इतने का ही लिया था 1-1.5 साल पहले। तो देखिए बरसात के सीज़न में इसमें बहुत ही अच्छी इसके जो न्यू लीव्स आए हैं, खूबसूरत लगते हैं। फूलों के साथ एक डेकोरेटिव प्लांट भी ये होता है। नेक्स्ट प्लांट है, अगर आपको नर्सरी पर मिले तो इसको ले सकते हैं, ये है देसी वाला कैलांचू। देसी कैलांचू भी देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो अगर आपको नर्सरी पर मिले 50 रुपये तक ये मिल जाता है तो ले सकते हैं। देखिए जब इसमें फूल आते हैं तो इस तरीके से आते हैं और काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पे भी बने रहते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा के और नए प्लांट भी बना सकते हैं। प्लांट है जिसका अभी फूलों का सीजन आने ही वाला है और चल भी रहा है, तो ये है जूफोर्बिया मिली। जूफोर्बिया मिली में पूरा साल फूल आते रहते हैं, मगर जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होगी, बरसात का सीज़न थोड़ा कम होगा, तो इसमें भी जो है अच्छी फ्लावरिंग होती है, मगर इसको धूप चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी इसको पसंद नहीं होती है, मीडियम गर्मी हो मीडियम सर्दी हो तो वो इसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो पूरा साल इसमें वैसे फूल आते रहते हैं, अगर आपके पास नहीं है इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ही प्लांट है या कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से भी इस समय ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। प्लांट है वाइट वाला रेन लिली का प्लांट। देखिए मेरे वाइट वाला रेन लिली का प्लांट है, इसमें फूल आना भी शुरू हो गए हैं और देखिए बहुत सारी इसमें कलियां बनी हैं। और आज हमारे यहाँ रात भर बारिश हुई है तो गमला पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जैसे ही बारिशों का पानी इसको मिलता है तो अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। देखिए पीला रेन लिली को मैंने सीड से ग्रो किया था, तो बहुत सारे नए प्लांट उगे हुए हैं। तो अगर आपके पास सीड हैं रेन लिली के तो सीड ग्रो कर सकते हैं इस समय, और नर्सरी से लेना है तो वाइट वाला रेन लिली ले सकते हैं, इसमें अभी फूल बहुत अच्छे आते हैं इस समय। प्लांट है कोई कलरफुल लीव्स वाला प्लांट अपने गार्डन के लिए लेना चाहते हैं, जो सस्ता भी हो और पूरा साल भी आपके गार्डन में बना रहे और केयर भी ना करनी पड़े, और एक प्लांट लाओ तो आपको 100 प्लांट उससे मिल जाए, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये है रियो का प्लांट। रियो का प्लांट एक प्लांट आप लगाते हैं तो आपको 100 नए प्लांट ये बना के देता है। और देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे गमलों में भी चल जाता है, और एक प्लांट इसके गमले से निकाल के दूसरे गमले में लगाएंगे तो वो भी इस तरीके से मल्टीप्लाई होने लगता है। और देखिए इसके जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, और खूबसूरत लीव के साथ इसमें वाइट कलर के फूल भी खिलते हैं छोटे छोटे। तो देखिए इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्लांट है ये डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट प्लांट है फॉक्सटेल फर्न का, और फॉक्सटेल फर्न भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैंने अपने प्लांट को कल मल्टीप्लाई किया है, 1 से 3 प्लांट मैंने बना लिए हैं, और ये प्लांट आपको 80 रुपये तक नर्सरी पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने एक प्लांट से 3 प्लांट बनाए हैं, तो इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं।